आईसीसी ऑलराउंडर रैंकिंग, टी20 ऑलराउंडर, ओडीआई ऑलराउंडर, टी टेस्ट ऑलराउंडर, टी20 ऑलराउंडर। नंबर 10 पे हैं मैक्सवेल जो 160 पॉइंट के साथ 10वें नंबर पर मौजूद हैं। नंबर 9 पे हैं स्टोनिस जो 161 पॉइंट के साथ 9वें नंबर पर मौजूद हैं। नंबर 8 पे हैं मोइन अली जो 168 पॉइंट के साथ 8वें नंबर पर मौजूद हैं। नंबर 7 पे हैं डेविड वीज़ा जो 170 पॉइंट के साथ 7वें नंबर पर हैं। नंबर 6 पे हैं सिकंदर रज़ा जो 173 पॉइंट के साथ 6ठे नंबर पर हैं। नंबर 5 पे आते हैं स्मिथ जो 174 पॉइंट के साथ 5वें नंबर पर हैं। नंबर 4 पे हैं हशरंगा जो 175 पॉइंट के साथ 4थे नंबर पर मौजूद हैं। नंबर 3 पे हैं मोहम्मद नबी जो 219 पॉइंट के साथ 30वें नंबर पर हैं। नंबर 2 पे हैं पांड्या जो 250 पॉइंट के साथ 2वें नंबर पर मौजूद हैं। नंबर 1 पे हैं साकिब उल हसन जो 268 पॉइंट के साथ पहले नंबर पर मौजूद हैं। ओडी ऑलराउंडर दिसलवा हैं 10वें नंबर पर जो 261 पॉइंट के साथ 221 पॉइंट से 10वें नंबर पर हैं। नंबर 9 पे असद वाला जो 237 पॉइंट के साथ 9वें नंबर पर हैं। नंबर 8 पे ज़िशान मकसूद जो 236 पॉइंट के साथ 8वें नंबर पर मौजूद हैं। नंबर 7 पे वंदु अशरंगा जो 240 पॉइंट के साथ 7वें नंबर पर मौजूद हैं। नंबर 6 पे सिकंदर रज़ा जो 247 पॉइंट के साथ 6ठे नंबर पर मौजूद हैं। नंबर 5 पे हैं मेहंदी हसन जो 253 पॉइंट के साथ 5वें नंबर पर मौजूद हैं। नंबर 4 पे हैं मिचल जो 269 पॉइंट के साथ 4थे नंबर पर मौजूद हैं। नंबर 3 पे राशिद खान जो 280 पॉइंट के साथ 30वें नंबर पर मौजूद हैं। नंबर 2 पे मोहम्मद नबी जो 310 पॉइंट के साथ 2वें नंबर पर मौजूद हैं। नंबर 1 पे साकिबुल हसन जो 399 पॉइंट के साथ पहले नंबर पर हैं। टेस्ट ऑलराउंडर पैट कमिंस 219 पॉइंट के साथ 10वें नंबर पर मौजूद हैं। नंबर 9 पे जो रूट जो 237 पॉइंट के साथ 9वें नंबर पर हैं। नंबर 8 पे आते हैं मिचल जो 245 पॉइंट के साथ 8वें नंबर पर मौजूद हैं। नंबर 7 पे हैं कैले 250 पॉइंट के साथ 7वें नंबर पर मौजूद हैं। नंबर 6 पे हैं जोसन होल्डर जो 283 पॉइंट के साथ 6ठे नंबर पर मौजूद हैं। नंबर 5 पे बेन स्टॉक 397 पॉइंट के साथ 5वें नंबर पर मौजूद हैं। नंबर 4 पे हैं पटेल 316 पॉइंट के साथ 4थे नंबर पर मौजूद हैं। नंबर 3 पे हैं साकिब उल हसन 329 पॉइंट के साथ 30वें नंबर पर मौजूद हैं। नंबर 2 पे हैं रविंदर अश्विन 359 पॉइंट के साथ 2वें नंबर पर मौजूद हैं। नंबर 1 पे जजेदा 431 पॉइंट के साथ पहले नंबर पर मौजूद हैं।